पहले ईरान ने सीधी चेतावनी दी, धमकी दी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमास को अल्टीमेटम दिया है साफ तौर पर, चेतावनी की हमास को। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फिर से धमकी, कह लीजिए कि जब तक हम खात्मा नहीं कर देते हमास को तब तक चैन नहीं लगे, हमास को कुचल देने की जरूरत आ चुकी है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट, यानी कि युद्ध तो फिलहाल रोकने के आसार नहीं है क्योंकि हमास पर लगातार अटैक, जैसा कि अपडेट आप सभी को कर रहे हैं, और हमास को कुचल देने की जरूरत आ चुकी है। श्वेता, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह स्टेटमेंट, हमास को कुचल देने की घड़ी आ चुकी है, साफ संकेत और संदेश है, युद्ध तो थमने के आसार नहीं है। हमास को कुचल देने की जरूरत आ गई है, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इजराइल, ये स्टेटमेंट। श्वेता सिंह हमारे साथ तेल अवीव इजराइल से जुड़ी हुई हैं। श्वेता, अब युद्ध के थमने के आसार तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये धमकी कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए कि हमास को कुचल देने की जरूरत आ गई है, ये किस तरह से आप देखेंगे वहां से? नेतन्याहू किसी की सुनने के लिए जाने भी नहीं जाते हैं। उन्होंने अगर अपना मन बना लिया, और पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि ये कोई आतंक के खिलाफ छोटी सी लड़ाई नहीं है, ये एक युद्ध है जो कि हमास के खत्म होने के साथ ही जाकर खत्म होगा, तो उस समय ही पूरी दुनिया ने उन्हें बहुत सीरियसली ले लिया था। सबको मालूम था कि अगर नेतन्याहू ने ये बात कह दी है तो वो इस बात को उस हिसाब से यकीन कर रहे हैं, एक तरह से एक संकल्प हो चुका होगा, और पूरी जनता उनके साथ इस लिहाज से है कि जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं यहाँ पर जो IDF के, वो सारे के सारे इस समय चाह रहे हैं कि अपने देश के लिए लड़े और इस समस्या को एक बार के लिए खत्म करें। तो लगातार ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और इस पर अपडेट हासिल कर रहे हैं इसराइल से। देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के मैदान से लगातार नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे जंग के मैदान की तस्वीरें। जंग का आज 21वां दिन है और गाजा सीमा पर बड़ी तादाद में इजरायली फौज तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी है। इजरायल के दक्षिणी बॉर्डर से नई तस्वीरें आई हैं, बॉर्डर पर बड़ी संख्या में तोप और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। इससे पहले इजरायली फौज के गाजा सीमा में घुसकर हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने की तस्वीरें आई थी, जो दिखा रहे हैं। देखिए जरा ये हमास के ठिकाने हैं जिनको मिट्टी में मिलाने का काम किया इजरायली फोर्सेस ने, इजरायल की एयर स्ट्राइक है। और ये देखिए जरा, सबसे पहले तस्वीर देखिए, इस धमाके की गूंज सुनिए, कई किलोमीटर दूर से ही इनकी लपटें और जो आसमान को चूमता हुआ ये धुएं का गुब्बार है, आप देख पाएंगे पूरा जो इलाका है वो धुआं धुआं हो रखा है। और ये टैंक्स की तैनाती है, ये बॉर्डर है, ये सरहदी इलाका है जो इसराइल और गाजा के बिल्कुल। अब राजेश पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। राजेश, अभी क्या अपडेट देंगे दर्शकों को? ये जंग लगातार बढ़ रही है, इसकी तीव्रता काफी बढ़ चुकी है और दोनों तरफ से बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इजराइल को पहले ईरान ने धमकी दी और फिर अब बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास को खत्म करने की घड़ी आ चुकी है। ये जो अभी हमला चल रहा है इजराइल का, वो ग्राउंड अटैक के लिए प्रिपरेशन चल रही है। पिछले कई दिन से लगातार इजराइल जो है टारगेटेड रेड्स कर रहा है हमास के एरिया के अंदर, गाजा पट्टी में, और इनको फौजी भाषा में बोला जाता है रैकी इन फोर्स या प्रॉबिंग अटैक्स। ये इसलिए किए जाते हैं ताकि पूरे जो फाइनल अटैक आएगा उसके लिए प्रिपरेशन की जा सके, और जो ये दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनको जानने के लिए, उनकी कितनी मारक क्षमता है, किस तरह के हथियार हैं, कितनी नफरी है वहां पे, इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये टारगेटेड रेड्स किए जाते हैं जिनको प्रॉबिंग अटैक्स या रैकी इन फोर्स कहा जाता है। और ये जो अटैक का एरिया है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, कमांडर्स की नॉलेज बढ़ाई जा रही है उसके बारे में, ताकि जब फाइनल अटैक हो तो कैजुअलिटीज कम से कम हो और जो इलाका जिस पर उनको कब्जा करना है उस पर कब्जा करने में खास मुश्किल ना हो। दूसरा, जहां तक ईरान का सवाल है, देखिए ईरान और इसराइल के बीच में गहमा गहमी और इनकी जो वर्बल अटैक्स हैं वो हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं और ये एस्केलेट होते रहेंगे। अभी इसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आपको याद हो, दो दिन पहले मैक्रो आए थे यहाँ पे, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनका कहना था कि हमास के इसको टैकल करने के लिए एक मल्टीनेशनल एफर्ट होना चाहिए। उसके बाद हमें यह भी पता लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फोर्सेस मूव की हैं इस इलाके में, तो कहीं ना कहीं इस सब का इशारा इस तरफ है कि आने वाले दिनों में चीजें आगे बढ़ेंगी। और जैसे ही इसराइल गाजा पट्टी के अंदर घुसेगा, नॉर्थ से हिजबुल्ला का अटैक होगा और पूरे चांस है कि ईरान इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसी को रोकने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जो कंट्रीज है अपनी फोर्सेज को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मूव कर रहे हैं इस वक्त।